बहन मीना सिंह जी हमारी मध्य प्रदेश की मंत्री है, वो यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए उनका भी इस रैली में बहुत हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज ये जनसंवाद रैली मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज सुनने के लिए तत्पर और तैयार हैं। आज का जो दिन है ये 25 जून हम सब लोगों के लिए, इस पूरे देश नहीं दुनिया के इतिहास में लोगों ने इस बात को जानने का प्रयास किया है कि ये जो 25 जून है, इस 25 जून को इस देश के अंदर वो काला दिन है जिस काले दिन के तौर पर देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। और उस आपातकाल के दौरान लोगों की उस आजादी को समाप्त इस देश के अंदर किया गया, लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर की गई। तो आज ये 25 जून आज यहां पर बैठे हुए वो लोग हैं जिनका अभी हमारे नेतृत्व ने सम्मान किया है। इमरजेंसी के दौरान उन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था, आज उन मीसाबंदियों का सम्मान इस रैली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने, सबने मिलकर के किया है। मैं उन सब लोगों को बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने उस इमरजेंसी के अंदर आपातकाल को झेल करके इस भारत माता की सेवा की थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी उस समय छात्र जीवन के अंदर छात्र रहे, 16 साल की उम्र में उनको जेल के अंदर भेज दिया गया था। वो काला दिन जिसके कारण से देश के आपातकाल में लोगों को झोंक दिया गया। अगर कोई प्रभात जी झा उस समय ग्वालियर के अंदर विद्यार्थी के तौर पर थे, कैलाश जी उस समय विद्यार्थी के तौर पर थे, ऐसे सारे लोग अगर किसी ने लेखनी लिखने का भी प्रयास किया तो उसकी लेखनी को भी कलम तोड़ करके जेल के अंदर डाल दिया गया। इस देश के अंदर आपातकाल घोषित करने का काम किसी और ने नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व ने, वो तानाशाह नेतृत्व इंदिरा गांधी के तौर पर देश के अंदर था, इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर आपातकाल लगा करके इस देश को उस इमरजेंसी के अंदर झोंक दिया गया था। मित्रों, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको अपनी बात के माध्यम से संबोधित करेंगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद जिस बात का मैंने उल्लेख किया कि दूसरी आजादी इस देश के अंदर, कि देश आजाद तो हो गया था, अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता देश के अंदर बची थी, अंग्रेजी मानसिकता के लोग देश के अंदर बचे थे, उनके लिए इस देश के अंदर संघर्ष प्रारंभ जब हुआ था, जो बैठे हुए यहां पर हमारे इमरजेंसी के वो लोग योद्धा हैं जिन्होंने उस देश के अंदर कहा कि देश आजाद तो हो गया है, लेकिन पूर्ण आजादी चाहने के लिए देश के अंदर अंग्रेजी मानसिकता को समाप्त करना पड़ेगा। और उस अंग्रेजी मानसिकता को समाप्त करने के आंदोलन को समाप्त करने के लिए देश के अंदर आपातकाल लगा करके उस आवाज को बंद करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय 1975 के अंदर किया। लेकिन मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, एक ही परिवार लगातार इस देश के अंदर इस काम के लिए वो अपना काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए लगातार इस देश के अंदर भूमिका उनकी बनी रही कि इस देश के अंदर जिसने भी कभी देशभक्ति और समाज की बात करने का प्रयास किया, तो आज भी दुर्भाग्य है कि वही कांग्रेस का नेतृत्व, वही परिवार जो लगातार वर्षों से इस देश के अंदर एक परिवार के साथ रह करके इस देश के अंदर एक राजनीतिक दल पर अपना वर्चस्व बना करके इस देश को गुमराह करने का प्रयास करते रहे हैं, आज भी हम सब लोग देखते हैं कि जिसने भी कभी इस देश के अंदर देशभक्ति की बात करने का प्रयास किया, तो आज भी कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बैठा हुआ है वो लगातार आज भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है। चीन के अंदर आपने देखा कि चीन के अंदर हमारे सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हमारे सैनिक जाकर के सीमा पर लड़ते हैं और चीन को जवाब देने का काम करते हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व को पेट में दर्द होता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक जब होती है और पाकिस्तान को जाकर के हमारे सैनिक जवाब देने के लिए जाते हैं और भारत के माथे को, मस्तक को ऊंचा करके हमारे सैनिक भारत का नाम रोशन करते हैं, तो कांग्रेस पूछती है कि इसके तथ्य और साक्ष्य क्या हैं? डोल कॉम के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की नीति के आधार पर हमारे सैनिक और हमारी सेना जवाब देती है, तो उसके कारण से भी कांग्रेस के नेतृत्व को पेट में दर्द होता है। राहुल गांधी ने, आप सबने देखा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली ताकतवर देश का नेतृत्व
जिसने तय कर दिया कि चाहे पाकिस्तान की सीमाएं होंगी, बांग्लादेश की सीमाएं होंगी या चाइना की सीमाएं होंगी, सीमा पर हमारे सैनिकों को, हमारे काम करने वाले उन नौजवानों को संपूर्ण अधिकार होंगे और सेना को संपूर्ण अधिकार देकर के ताकतवर बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और चाइना को जवाब देने का काम हमारी सेना करती है, तो उसके बारे में भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि तो सरेंडर प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य इस देश का, अरे सरेंडर तो तुम्हारे परिवार और पूर्वजों ने इस देश के अंदर, चाहे 1962 में चाइना के अंदर रहा हो या पाकिस्तान के अंदर हमारी फौज ने 93,000 सैनिकों को जो बंदी बना करके भारत के अंदर लाके खड़ा कर दिया था, उनको भी छोड़ने का काम आपके नेतृत्व ने किया था। मोदी जी अगर होते तो 93,000 बंदी बना करके पाकिस्तान नहीं होता, भारत का अभिन्न हिस्सा बनकर के खड़ा होता। मित्रों, इस बात का उल्लेख आज मुझे इसलिए करने की आवश्यकता लग रही है कि वो 25 जून का इतिहास, आज भी वो तत्व इस कांग्रेस के नेतृत्व में उनके खून के अंदर है। और दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर लोग कह रहे हैं, भारत का सर्वे होता है, सर्वे कहता है कि आज तक का सबसे प्रभावशाली और जिसकी स्वीकारोक्ति पूरे भारत के अंदर सबसे बड़े नेता के तौर पर किसी की है, तो दो दिन पहले सर्वे आता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता आज भी स्वीकारोक्ति देती है और आप कहते हैं कि वो सरेंडर प्रधानमंत्री है। अरे सरेंडर तो तुमने लोगों ने जिस प्रकार से इस भारत की नीतियों के माध्यम से भारत को गर्त में ले जाने का काम किया था, आज उसका जवाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस संपूर्ण भारत के अंदर दुनिया के नेतृत्व को दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे सक्षमता के आधार पर और निर्णय लेने की क्षमता जिस प्रधानमंत्री की है कि कोरोना महामारी के संकट में भी दुनिया के देशों ने स्वीकारोक्ति दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि भारत के नेतृत्व ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी के संकट से निपटा है उसके कारण भारत आज संक्रमित होने से बचा है। इसलिए मित्रों, एक साल का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल का कार्यकाल और एक साल का जो कार्यकाल हमारा अभी 30 जून को पूरा हुआ है, 30 मई को जो पूरा हुआ है मित्रों, इस दिशा में मैं आज केवल एक दो बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने प्रयासों से किया है। इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो भूमिका देश के अंदर निभाई, केवल नारा नहीं दिया, जनधन अकाउंट के माध्यम से गरीबों तक, जो देश किसी दे अपने देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि एक पैसे में से 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, उस बात का जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट खोल करके हर गरीब के खाते में जो पैसा अगर केंद्र से चलता है तो उसके खाते में उस तक पहुंचने का प्रयास होगा, इसको सफलतापूर्वक इस देश के अंदर एक पूरे योजनाओं के माध्यम से कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं, यह कल्पना नहीं, इसको साकार करके माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया है। गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को जमीन पर उतारने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा या प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के हितों के लिए काम करने की बात रही होगी। और मित्रों, इस एक वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने भारत का स्वाभिमान कैसे जागृत होगा, भारत के मान और सम्मान कैसे दुनिया के अंदर हम उसको एक भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का हम प्रयास करेंगे कि धारा 370 जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो कभी समाप्त हो नहीं सकती। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। 2 दिन पहले हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसका संकल्प लोग पूरे देश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं और पूरे देश के करोड़ों लोगों ने लिया है कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लेकर के जिसके लिए बलिदान किया था, आज हमको गर्व है इन करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को जिसके लिए उन्होंने बलिदान किया था उस बलिदान को पूरा करने का काम और संकल्प को सिद्धि में बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर किया है, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मित्रों, भारत के मान और सम्मान को आगे ले जाने का काम भारत के अंदर किस प्रकार से हम धारा 370 से लेकर के राम जन्मभूमि के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के नहीं दुनिया के करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के प्रश्न को आज राम मंदिर का भव्य निर्माण
ट्रस्ट बना करके जो प्रारंभ हुआ है, ये करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर जो उनके आस्था का केंद्र था, आज उसके प्रतिमान और सम्मान बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर किया है। इसलिए आज इस अवसर पर इस रैली में केवल इतनी बात कहकर के, एक सक्षम नेतृत्व जब देश के अंदर आता है, सक्षम नेतृत्व जब सत्ता को संभाल करके आगे बढ़ता है और उसकी नीतियां, उसका संकल्प जब सार्थक तौर पर सबके सामने पूरे देश के अंदर उन्होंने संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ते हैं कि इस देश के अंदर भारत को हम दुनिया के एक उस पैमाने पर ले जा करके खड़ा करेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कल्पना की थी कि भारत दुनिया का सिनेमा बन करके खड़ा होगा। आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं और बहुत एक सशक्त उसके साथ कहता हूं कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्यशैली, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर और संकल्प शक्ति के आधार पर संपूर्ण भारत का मान और सम्मान परम वैभव पर दुनिया के अंदर ले जाने का काम, भारत माता के सर को मस्तक ऊंचा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए आज हम सब लोग संकल्प लेकर के माननीय देश के यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम सुनेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।